क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है, अलग बात है इसके ऑप्शंस। अब हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो हमारा आंसर होगा वो रियल नंबर होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रियल नंबर होगा, या पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल नंबर होगा, या रियल नंबर इंटू रियल नंबर। तो इसको निकालने का मतलब बिना कॉपी पेपर के आंसर कर सकते हैं, ऐसा आसान क्वेश्चन है ये। तो अब आप देखो कैसे। तो जो हमारा एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे अपन एक बात देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है मतलब ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है मतलब ये वाला पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर पॉजिटिव न्यूमरेटर है, पॉजिटिव ही डिनोमिनेटर है, तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो और आंसर नेगेटिव आ जाए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस एफ एक्स का आंसर कभी भी पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव तो आ नहीं सकता, और नेगेटिव नहीं आ सकता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपल।